बुलंदशहर क्राइम ब्रांच और सिकंदराबाद की जोखाबाद चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली नोट की खेप के साथ दो ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है जो बिल्कुल असली जैसी नकली करेंसी प्रिंट कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से प्रिंटर, नोट प्रिंट करने वाली शीट समेत उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस का अनुमान है कि नकली नोटों के ये सौदागर यूपी पंचायत चुनाव में नोटों की नकली खेप खपाने वाले थे। बिल्कुल असली दिखने वाले 100, 200, 500 और 2000 के ये नोट असली नहीं बल्कि पूरी तरह नकली हैं। ऐसे ही नकली नोटों की खेप के साथ पुलिस ने फरमान और फकरू नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3,36,000 रुपये की नकली करेंसी, प्रिंटर, कटर, इंक, सील बंद इंक की बोतल भी बरामद की है। पुलिस की माने तो दोनों बदमाश केरल से नकली नोट बनाने की कला सीखकर वेस्ट यूपी में नकली नोट बनाने और चलाने का धंधा कर रहे थे। बुलंदशहर एसएसपी की माने तो ये लोग नकली नोट 40% पर धंधे से जुड़े लोगों तक नकली करेंसी पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, आगामी पंचायत चुनाव में नकली नोटों की खेप को प्रत्याशियों तक पहुँचाया जाना था। प्रत्याशी इन्हीं नकली नोटों से पब्लिक की असली वोट की खरीदारी करते। हालांकि इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फरमान सर, हम नहीं कर रहे थे, 1% नाम का लड़का था, हम फ्रूट मंडी में काम करते हैं, उनके फ्लैट पर डिलीवरी करने जाते थे, जय ग्रोसरी की दुकान होती है, वहां से वे काम करते थे। जब वे पकड़े गए, उनके फ्लैट तो कोई नहीं था, जब हमें पता लगी, हम उनके फ्लैट में बड़े, वहां से मशीन और ये नोट हमें मिले, हम वहां से लाए थे 5 लाख, 1.5 लाख हमने तकरीबन चला दिए थे, हमारा काम नहीं था सर, ये सर कहीं भी नहीं, बस ऐसे ऐसे ही चलावे थे, 100, 150, 150, हम तो और इन्हें फैसले देते सर, ऐसे ही 150 करके चलाए हैं बाजार में जी। अभी ये तो जो 100 के थे वे चला दिए, ये चल ना पाते, इस मारे हम धरी देते, इन्हें फेंक ही देते। तरीका सर ऐसे ही था, किसी को 100 दे दिए, किसी को 50 दे दिए। देखिए, जनपद बुलंदशहर की स्वास्थ्य टीम के द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। ये दो शातिर अपराधी फरमान और फखरू, जो मसूरी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3,36,600 रुपए के नकली नोट, जिसमें 2,000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, ये बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से ही एसबी का कलर्ड प्रिंटर, इंक कटर और 6 शीट प्रारूप, इंक की खाली भरी शीशियाँ, ये सब बरामद हुई हैं। उल्लेखनीय है कि इन्होंने केरला में जा करके इस काम को किसी से सीखा था, और जो इनके पास शीट प्रारूप है उसी पर नोट लगा करके कलर प्रिंटर से नोट निकालते हैं। सभी नोटों के नंबर एक जैसे हैं और ये 40% पर इसको बेचते हैं, और जैसी कि आशंका है, संभवतः है आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये चुनाव में रात के अंधेरों में वितरण के इरादे से मार्केटिंग करने के लिए यहाँ आए हुए थे, और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से बरामदगी की गई। ये नोट जो है, 1 लाख के नोट 40,000 रुपये में किसी ग्राहक को देते थे। अब ग्राहक के लिए था कि वो इसका किस तरह से उपयोग करता है, लेकिन ग्राहक के हाथ में जाने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बरामदगी की गई है। फिलहाल अब तक इस जनपद में इनका कहना है कि इन्होंने किसी और को दिया नहीं था, पहली बार सिकंदराबाद क्षेत्र में आए थे और मकसद इनका यही था कि नोटों की सप्लाई करें, इनका मिसयूज हो सकता था और गाँव के गरीब आदमी, और कई बार इनका इस्तेमाल छोटी छोटी जो मार्केट लगती है उसमें जानवरों की खरीद फरोख्त जहाँ होती है वहाँ पे ज़्यादातर लोग करते रहे। नहीं, सरगना तो यही है, खुद इसके संचालक हैं और इन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा था। अब ये नीचे कहाँ ले जाते, लेकिन ले जाने के पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनसे हम और डिटेल जानकारियाँ ले रहे हैं कि इस जनपद में इनके कौन कौन से संपर्की थे जिनसे ये संपर्क कर सकते थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई कर दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर अंगूठा छाप हैं, मगर उसके बावजूद ये शातिर नकली करेंसी तैयार करने का कारोबार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि इनके तार आखिर कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं। जबकि बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इन्हें गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।